मार्केट ऑल टाइम हाई पर दिख रहा है, मार्केट ऑल टाइम पर हाई पर है, लेकिन उसके बाद में भी फिर प्रॉफिट हमारा उस लिहाज से दिख क्यों नहीं रहा है जैसे बाकी जगह पर दिख रहा है। तो आज ऐसे ही चर्चा चल रही थी अभी जब हम आ रहे थे, तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि भैया देखो तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास एफआई और डीआई ने आज दोनों ने बाई करी है। पिछले 14 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी लगातार ऊपर है, फिर उसके बाद में हमारे पोर्टफोलियो में इतना प्रॉफिट क्यों नहीं दिख रहा है। तो फिर उसके बाद में इस पर हमने मंथन किया, चिंतन किया और ये किया कि नहीं आप लोगों को इस पर शेयर करूं, वहां पर जो हमारा डिस्कशन चल रहा था। एक्चुअली क्या होता है कि देखो मार्केट एक अलग थिंग है और म्यूचुअल फंड एक अलग थिंग है, लेकिन इसको क्या करते हैं लोग जाते हैं भूल। सबसे पहली चीज क्या होती है कि जब तक जिस प्रकार से ऑल इंडाइसेस में जब तक मेरे को गिरावट नहीं दिखती है तब तक और सटीक रीजन नहीं दिखता है तब तक आपने देखा होगा मैं आपको लमसम की कॉल नहीं देता हूं। तो अभी उससे पहले मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा। देखो 3-4 कैटेगरी में अपनी पूरी मार्केट डिवाइड है, ठीक है ना, सारी कंपनियां डिवाइड है 3 कैटेगरी में, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहली जो 100 कंपनी है, फर्स्ट टू लेकर के 100, वो आपकी है लार्ज कैप कंपनियां। उसके बाद में सेंसेक्स का आपको पता है 30 कंपनियां होती है, निफ्टी में 50 कंपनियां होती है, इनके बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ रहे होंगे। उसके बाद में 101वीं से लेकर के 285वीं कंपनी आपकी मिड कैप कंपनी है, 291वीं से लेकर के और या 5000 करोड़ से कम एवियन की जो कंपनी है, या 251वीं से लेकर के आनवर जितनी कंपनियां हैं वो आपकी लार्ज कैप स्मॉल कैप कंपनियां हैं। तो ये आप समझ गए। अभी क्या होता है कि 2018 के बाद में, उससे पहले 2013 से पहले क्या था, सारे सारे फंड क्या थे आपके, रेगुलर फंड थे। जैसे LIC में आप बिना एजेंट के आप जाओ बोलो मैं डायरेक्ट लूंगा तो वो आपको नहीं देते, कोई पॉलिसी नहीं देंगे वो आपको, क्यों, एजेंट के थ्रू ही देते हैं। तो अगर अगर आप लोगों की जानकारी है कि हाँ वो ऐसे देते हैं तो फिर देख लीजिए, ऑनलाइन आजकल हो गया, मैंने तो लिया नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है, एजेंट या ब्रोकर उनको चाहिए चाहिए। वैसे 2013 से पहले आई एम श्योर कि रेगुलर फंड थे, कोई भी डायरेक्ट फंड नहीं था। 2013 के बाद में डायरेक्ट फंड आए हैं और ये सारी चीजें फेनोमेना ये फिर उसके बाद में चला है। तो TER का एक्सपेंस रेशियो वगैरह कम हो गया म्यूचुअल फंड में, उसके बाद में पोर्टफोलियो ज्यादा खुलने लगे। और पिछले 10 सालों से आप उठा करके देख लो हर कैटेगरी के फंड ने अच्छा खासा रिटर्न उठा करके बंदों को दिया है। तो अभी 1 साल में 2 साल में 3 साल में 5 साल में 8 साल में 10 साल में अगर आपको म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना करके दिया और उससे पीछे का भी देखो तो अच्छा खासा रिटर्न लोगों को दिख रहा है। तो दिख रहा है तो इस सच को झुठलाया भी नहीं जा सकता है, इस सच को कोई ना भी नहीं कर सकता है। लेकिन 2018 में एक गाइडलाइन आई सेबी की कि वहां पर इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट का ख्याल रखा गया और उस सेंटिमेंट के ख्याल के ऊपर उन्होंने क्या किया कि भाई देखो अगर मान लिया हम ऑप्ट कर रहे हैं, जैसे मान लिया अभी हम लोग ये चिल्लाते हैं भाई आदमी को अपने एज के मुताबिक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अब एज के मुताबिक बंदे ने पोर्टफोलियो बनाया, अब जिसकी एज 50-60 साल की हो गई है तो वो उसके बाद में रिस्क एपेटाइट उसका कम हो गया ना भाई। तो रिस्क एपेटाइट कम हो गया तो वो चाहेगा कि मैं लार्ज कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में, या अभी जब हम लोगों ने उस चीज को उठाया कि भाई ऐसे ऐसे करके परसेंटेज वाइज आप लोग एलोकेट करो, तो उसको लोगों ने उसको भी लिया है क्योंकि अभी इसके अलावे तो भी हम तो काफी सारा अपना डिस्कशन वगैरह करते हैं तो लोगों ने लिया है। फिर उनको अंदाज भी हो जाता है कि हाँ, कई लोग ऑफर भी करते हैं भैया वो लोग क्लास वगैरह लो, लेकिन हमने बता दिया नहीं भाई जो हमारा है, और बहुत लोगों से तो हम बताते भी नहीं इसको, ठीक है ना, बहुत लोगों से इस चीज को बताते भी नहीं, जो बहुत ही क्लोज होते हैं उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि बात करने से क्या होता है कि आमने सामने से फिर उसके बाद में कल को किसी का नुकसान वगैरह हो गया तो बिना मतलब में, और ऊपर से अगले को वोलेटिलिटी समझ में नहीं आएगी, जब तक वो धक्के नहीं खाएगा तब तक उसको वोलेटिलिटी समझ में नहीं आएगी, और वोलेटिलिटी जब तक आदमी को समझ में नहीं आएगी तब तक वो मार्केट को समझेगा नहीं, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो बात चल रही है यहाँ पर की प्रॉफिट वाली, तो वहां पर बात करते हैं संदर्भ कहां से उठाया, 2018 वाले बात से। तो वहां पर लार्ज कैप का जैसे मान लिया कि जिसने जिस कैटेगरी का फंड चुना है उस कैटेगरी में उसका एलोकेशन होना चाहिए, तब तो भाई किसी की भावना का, किसी की फीलिंग का, तब जाकर के उसकी कद्र हुई ना। तो सेबी ने एक रूल निकाला कि भाई देखो जिसका जो ऑप्शन है ना, अगर लार्ज कैप आदमी ने ऑप्ट किया है तो 65-70% उसका लार्ज कैप हो जाना चाहिए, बाकी अब मिड कैप, स्मॉल कैप और
कॉर्पोरेट वगैरह में, कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह में जहां पर भी आप करना चाहते हो वो आप कर लो, या जो कैश होल्डिंग का परसेंटेज भी उन्होंने 5% के आसपास कर दिया, कुछ सर्कमस्टेंसेस में थोड़ा सा ज्यादा फंड मैनेजर उस पर काल ले सकता है कि हाँ ठीक है मैं आने वाले सिंगल में कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसको पैसा तो लगाना ही पड़ता है, नहीं तो वो तो होल्ड ही करके रखेंगे वॉरेन बफेट साहब के जैसे और एलन मस्क साहब के जैसे। ठीक है, तो पहला तो ये रीजन हो गया। दूसरा उसके बाद में ऐसे ही मिड कैप ऐसे लार्ज कैप का, तो कई लोगों ने बोला कि उसके बाद में क्या हुआ कि वहां पर फंड मैनेजर जो करते थे ना वो क्या करते थे आपको बताऊं कि अब ये मैंने आप लोगों को पहले बताया कि नहीं बताया है, लेकिन वहां पे फंड मैनेजर क्या करते थे कि जैसे लार्ज कैप वाला है ना तो प्रॉफिट को गेन करने के लिए क्या करते थे, स्मॉल कैप में ज्यादा ले लेते थे एलोकेशन या मिड कैप में एलोकेशन ले लेते थे, या स्टेबिलिटी दिखाने के लिए जो ये वाले क्या नाम है स्मॉल कैप वाले हैं हाँ, तो वो क्या करते थे लार्ज कैप का और इसका जो है अपना तड़का बढ़ा देते थे, तो उनसे उनके फंड में स्टेबिलिटी आ जाती थी। तो अब सेबी की जब गाइडलाइन होगी तो उसमें क्या हुआ, एक टाइप की प्योरिटी आ गई, बात समझ रहे। जैसे मान लिया 24 कैरेट का गोल्ड, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, चीजें उनके ऊपर से निकल जाती है। जैसे 24 कैरेट का गोल्ड प्योर गोल्ड माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि 24 कैरेट से जेवर तो बनाना मुश्किल हो जाता है ना, तो मैक्सिमम 28 कैरेट का उसमें कोई मेटल मिक्स करा जाता है। उसी प्रकार से 18 कैरेट या 22 कैरेट का मतलब जो है जेवर ठीक ठाक माना जाता है, आप भी जानते हो उसको। 24 कैरेट में बनाने में उनको ज्यादा लग जाता है, हालांकि सोने की प्योरिटी होती है। उसी प्रकार से मतलब जो है जैसे 22 कैरेट हो गया तो वो एक टाइप का आइडियल माना जाता है। तो ये जो रखा सेबी ने सबसे अपना डिस्कस करके, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती हैं पोर्टल पे रख करके, फोरम पे रख करके, डिस्कशन करके, तब उसके बाद में होता है जैसे कोई भी बिल पास करने से पहले पार्लियामेंट में रेजुलेशन लाया जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये चीजें करी जाती हैं और ये करना भी चाहिए, बात ये भी फैक्ट भी है, ये बात आप भी मानते होंगे। तो अभी अब मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो अभी क्या है कि जैसे उसमें फिर फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, फिर उसके बाद में मिड कैप स्मॉल कैप भी अभी ला रहे हैं फंड मैनेजर वगैरह, तो इस टाइप के फंड्स आ रहे हैं, और जो उसके बाद में सेक्टोरल हो गया, थीमेटिक हो गया, फलान हो गया, ढमकान हो गया। अब सेक्टोरल थीमेटिक में देखिए जो जो सेक्टर चल रहे हैं वो सेक्टर चलेंगे, उसमें प्रॉफिट दिखेगा, जो सेक्टर बैठ गया उसको बैठे। अब किसी ने सोचा का कि केमिकल की इतनी डिमांड हो जाएगी इंडिया के, मतलब केमिकल्स की। अब आज के टाइम पर मैं एक बात बताऊं फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि क्यों मतलब नहीं दिख रहा है उसको, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी अब इतना सारा आपको समझा दिया तो क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। आज के सिंडो में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा मलाल है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं कि यार आईटी, जिन्होंने आईटी में मलाई खाई हुई है ना, अब उनसे रहा भी जाए ना जाए, सहा भी ना जाए, उनका वही वाला हाल हो रहा है। अब वो आईटी को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और उसके बाद में आईटी से वो नाखुश भी हैं। अब उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वही मलाई आईटी वाले फिर देने लगे तो उसके बाद में करेंगे। अब जैसे मैं आज कुछ चीजें वो कर रहा था कि जैसे किसी ने बोला कि इतने ये अपना शिप्स बनाने का आर्डर मिला है, बेड़े बनाने का आर्डर मिला है, तो आप देखिए कितने बेड़े आप बना दोगे, कितना आप वो करोगे। एचएल को जैसे बोले इतना 1000 करोड़ का आर्डर मिला है, अरे भाई वो आर्डर कितने साल में पूरा करने का मिला है, बात हमारी समझ रहे हो। अब कई लोग अगर मान लिया जैसे डिफेंस सेक्टर का हो गया, केमिकल का हो गया, इसका हो गया, अगर वो सेक्टोरल और थीमेटिक में जाना चाहेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा सा गुन्ना दुन्ना चाहिए फंड लेने से पहले भी। तो ये तो जहां पर लोगों ने अगर सेक्टोरल फंड ले लिया उनको नहीं दिख रहा है। दूसरी बात क्या है कि आप एक बात समझिए कि जैसे आप लोग पता नहीं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो, क्रिप्टो के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं जानकारी है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, या और जैसे इस टाइप के जैसे वो नंबर्स से ना बड़े नंबर वाला जिसकी कीमत है, जैसे बिटकॉइन उसका लीडर है, तो उसमें खरीदारी पहले होती है, इथेरियम में होती है, फिर उसमें होती है, उसके बाद में होते होते आल्ट कॉइन और मीमे कॉइन में बाद में जाता है। यहां पर क्या हो गया था, यहां पर हो गया था कि एक लहर चल गई थी स्मॉल कैप में ले खरीदारी, मिड कैप में ले खरीदारी, तो फिर लार्ज कैप वालों का अभी कहां से होकर था, फिर एफआईआई जो डीआईएच का पैसा कहां पे लगा, वो मैक्सिमम लगा लग रहा है कहां पे, डीआईएच का तो चलो ठीक है वो तो फंड के मुताबिक लग रहा है या रिटेलर का जो पैसा उसके मुताबिक लग रहा है, लेकिन एफआईआई तो आकर के उनको जिस जिस उसमें बिक्स ने जहां जहां पे लात मारी है वहां वहां पे एफआईआई ने बाई करी है। अब इतनी समझ तो रिटेल इन्वेस्टर्स को है नहीं, और फंड मैनेजर्स की मजबूरी है कि वो जानते हुए भी
पर्टिकुलर कंपनी में उतने परसेंटेज से ज्यादा नहीं लगा सकता है। बात को समझिए, पर्टिकुलर कंपनी में भी उसका परसेंटेज भी है कि 8% या 10% से ज्यादा एक कंपनी में नहीं लगा सकता हो। चाहते हुए भी कि हाँ ये अगर देगा तो आपका पर्टिकुलर फंड का फंड मैनेजर उसमें नहीं लगा सकता है, और पर्टिकुलर उस इंडाइसेस में भी उससे ज्यादा नहीं लगा सकता हो, वहां पर भी उसकी मजबूरी है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अपने परसेंटेज को एलोकेट करता है, क्योंकि भाई फंड मैनेजर कई सारी मजबूरियां तो होती हैं। लेकिन ये फायदे का सौदा कहां पे होता है? अब यहां पर मैं आपको क्या बताऊं, फायदे का सौदा बताऊं या ये बताऊं? बातें तो जब निकलती हैं तो फिर निकलती चली जाती हैं। अब क्या करूं, क्योंकि भाई देखो मार्केट में सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो है ना धक्के खुद खाना पड़ेगा, कमाई खुद करनी पड़ेगी और सीखना आपको दूसरे से पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना, मेरे 2-3 रिश्तेदारों को सीख करके तब उसके बाद में मैंने बोला नहीं, म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और मैं हालांकि किसी शेयर खरीदने वाले को नहीं करता हूं, भाई जिसके पास शेयर हो गए हैं वो ले सकता है, होल्ड कर सकता है तो करे। बट हमारे कुछ रिश्तेदारों ने क्या किया, कचरा खरीद लिया, और कचरा खरीदने के बाद में उनका वो भंगार ही हो गया, और उसकी वजह से मेरा फिर विश्वास उठ गया। और फिर मतलब जो है ये ऐसा ऑप्शन है कि इसके बिना फिर आपका ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। तो उसके बाद में इसको हमें सीखना पड़ा, सीख करके प्रॉफिट कमाना पड़ा। प्रॉफिट कमाने के बाद में फिर उसके बाद में तब जाकर के हमने सोचा यार जब इतनी सिंपल सी चीज है तो लोगों को क्यों ना बताया जाए। तो भाई मेरे, अगर आप पेशेंस रख रहे हो, टाइम दे रहे हो, और आपको तुरंत ही आप ये सोच रहे हो कि फलनवा, जब आपने जहां पर भी आपने टिप लेने की कोशिश किया वहां पर ही आप गड़बड़ हो जाएंगे। आप पेशेंस रखिए, जब भी जब ये इंडाइसेस चलेंगे, सेक्टर चलेंगे, वो चलेंगे जो आपके फंड मैनेजर ने दांव लगाया हुआ है, वो आपको विश्वास करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बन पाएगी। और तभी जाकर के आपके म्यूचुअल फंड में, और जो इस आपको मैं बार बार बताता हूं, ज्यादा से ज्यादा 12-14% आप उम्मीद करो लार्ज कैप में, 16-17% उम्मीद करो मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में, 18-20% लॉन्ग टर्म, वो भी जब 10 साल का आप टाइम दे रहे हो तो उम्मीद करो आप किसमें, स्मॉल कैप में। अगर आप इसके साथ में जस्टिफाई करके चल रहे हो ना, और इसके अनुसार आप अपने गोल को सेट कर रहे हो, तो समझो आप कभी भी मार नहीं खाओगे। अब आपको 20-20 खेलना है, आपको ये खेलना है, तो भैया फिर आपकी मर्जी है, आप उसके बाद में ले लो। कई सारे लोगों को मुझे ताजुब होता है कि लोगों को ऐसे गुमराह करते हैं, बोला मैं घंटों में तुमको लाखों कमवा दूंगा, घंटों में तुमको करोड़ों कमवा दूंगा, घंटों में तुमको ये करवा दूंगा, और वो कुछ नहीं कर पाते हैं, आपको डुबा देते हैं। तो इसलिए जिसको जिसको लग रहा है कि मेरे पोर्टफोलियो में उस लिहाज से नहीं दिख रहा है, तो आप सीधी सी बात समझिए, FIIs और DIIs अभी इस समय बेट कहां पे लगा रही है, और बेट कोई भी ऐसे करके हल्ला करके नहीं लगाता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो वही हो जाएगा, इनसाइड ट्रेडिंग हो जाएगी, फ्रंट रनिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो सारी चीजें खरीदारी वगैरह के लिए रिसर्च करी जाती हैं, गुपचुप तरीके से, गुप्त तरीके से फिर खरीदी जाती है। तो वो सब आपको बता, इसीलिए आपने मैंडेट दिया हुआ है अपने फंड मैनेजर को, राइट दिया हुआ है आपने, कि वो आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू शेयर्स को खरीद, मतलब हम सबके, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड है ही है। तो उम्मीद करता हूं आप बात को समझ गए होंगे कि जितना ये है आपको आज दिख रहा होगा कि मैंने 50% ले लिया, मैंने 100% ले लिया, मैंने वो ले लिया, और लास्ट में आपका एक वर्ड में मैं इसको कंक्लूज करना चाहूंगा, लास्ट में आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम वर्ड समझ में नहीं आएगा, इसको ट्रेस कर लीजिएगा जो लोग हिंदी भाषा में हैं, तो वो इक्विलिब्रियम लास्ट में आएगा, और इसी रेंज में आपका परसेंटेज और गेन आपका दिखेगा। अब ये चाहे आपको अच्छा लगे या चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन ये गुमराह करने वाली बात नहीं है। मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को कभी भी गुमराह नहीं करता हूँ, फैक्ट से फैक्ट जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये ठीक लगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये मन में मलाल चल रहा होगा इस समय, वो बात मैं समझता हूँ। तो अगर उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी है, तो आप लोग भी अपना फर्ज निभाया करो। और यार बस क्या मांगता हूँ आपसे, शेयर या सब्सक्राइब या लाइक से हमें भी बूस्ट मिलता है, से सब्सक्राइब से आपका प्रचार प्रसार होता है, और ये कोई मेरा अपना तो है नहीं, जुआ इंटॉक्स तो सबका चैनल है, ठीक है ना, जो भी जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये है कि हाँ मैं टाइम टू टाइम कॉल दूं, देखो जब जब कॉल दिया वो सारी चीजें सही हुई हैं। आज आपको बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा, हाँ कुछ लोगों को प्रॉफिट जरूर दिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, हमारे भी पोर्टफोलियो में दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों का पोर्टफोलियो ऐसा होगा जो किस लेवल पे आए हैं, उनके फंड मैनेजर ने कब वो किया हुआ है, कितना टाइम दिया है, उनको थोड़ा सा कम दिखेगा, बाकी ठीक है, चिंता करने वाली कोई भी बात
नहीं है कोई भी सिंधु, बाकी न्यूमोरा की रिपोर्टें आ रही, उसकी रिपोर्टें आ रही, आने दो बाकी चीजों को आने दो। मानसून का फैक्टर सही हो गया तो ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना काम करना शुरू कर दिया तो ठीक है, थोड़ा सा उसमें करेंगे, चलो ठीक है, उसको फिर सवेरे किसी और उस पर करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी यहीं पर इसको क्लोज करते हैं क्योंकि फिर ज्यादा लंबा हो जाता है, सेशन हो जाता है। तो आज तो वैसे थी तो बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन अब ज्यादा भी नहीं करेंगे क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे कि भैया तो थोड़ा सा ज्यादा ही बातें करने लगते हैं। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।